भाजपा द्वारा कार्यकर्ता सम्मान समारोह के तहत मंगलवार को शिमला में शिमला ग्रामीण, शिमला शहरी व कसुमटी मंडल के श्रेष्ठ बूथों के कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया गया। इस मौके पर कार्यकर्ताओं को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। भारतीय जनता पार्टी जिला शिमला द्वारा भाजपा प्रदेश मुख्यालय दीपकमल में उत्कृष्ट बूथ सम्मान समारोह के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के दौरान 2017 विधानसभा चुनाव में उत्कृष्ट कार्य करने वाले कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया गया। इस मौके पर प्रदेश भाजपा उपाध्यक्ष गणेश दत्त ने कहा कि शिमला ग्रामीण, शहरी और कसुमटी तीनों मंडलों के सर्वश्रेष्ठ रहे बूथ कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया गया है। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। गणेश दत्त ने कहा कि भाजपा विश्व का सबसे बड़ा राजनीतिक दल है और 21 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं और ये केवल बूथ स्तर पर कार्य कर रहे कार्यकर्ताओं की अथक मेहनत का नतीजा है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ही ऐसा राजनीतिक दल है जो बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं को सम्मानित करता है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि जिस प्रकार विधानसभा चुनाव में पार्टी को जीत दिलाई है उससे ज्यादा ऊर्जा के साथ काम कर 2019 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को प्रदेश की चारों लोकसभा सीटों पर जीत दिलाकर एक बार फिर केंद्र में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार बनाने में अपना योगदान दे। जो बूथ सर्वश्रेष्ठ आए हैं 75% से अधिक जिन जिन कार्यकर्ताओं ने अपने पोलिंग बूथ पर विजय दिलाई है उन सभी को सम्मान करने का कार्यक्रम हुआ है। इस कार्यक्रम में शिमला जिला के तीनों मंडल, शिमला ग्रामीण और कसुमटी, सभी कार्यकर्ताओं को जो ए बी सी कैटेगरी में आए हैं सभी को सम्मान किया है और स्मृति चिन्ह और पार्टी का पटका दे करके उनको सम्मानित किया है। इसके कारण कार्यकर्ताओं में एक नया उत्साह और एक जोश पैदा होता है और कार्यकर्ता आगे के लिए भी कार्य जो है करने में अपनी सक्रियता के साथ आगे बढ़ेंगे और आगामी लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को विधानसभा से भी अधिक मतों से विजयी बनाने के लिए संकल्प ले रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, शिमला।